स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जिससे आप हमारी किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर पाए साथ ही आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपको हर पॉइंट समझ आ जाए तो चलिए समझते हैं आज हम समझेंगे सिंपल वे एब्जॉर्प्शन सिस्टम को

कैरे, साइंटिस्ट इन 1860, पहला पेपर एबजॉर्बेशन रेफ्रिजरेटर फर्डीनांड कैरे द्वारा बनाया गया था तीसरा दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी यूज बोथ फॉर पर डोमेस्टिक पर्पस और फॉर पर इंडस्ट्रियल पर्पस। इस प्रकार का रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम घरेलू कार्यों साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया यूज की जाती है पांचवा इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हेयर हीट एनर्जी ऑल्टर्स कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इस सिस्टम में हीट एनर्जी की वजह से रेफ्रिजरेंट की कंडीशन या फिर फेज में परिवर्तन आता है वहीं सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी की वजह से रेफ्रिजरेंट के फेज या फिर कंडीशन में चेंज आता है आइए अब इस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं उन्हें समझा जाए कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम आर फर्स्ट इवेपोरेटर सेकंड एब्जॉर्बर थर्ड पंप फोर्थ जनरेटर फिफ्थ प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल सिक्स कंडेंसर सेवेंथ एक्सपेंशन बॉल्ब इस सिस्टम में हम एब्जॉर्बर पंप जनरेटर और प्रेशर रिड्यूजिंग वॉल्व का यूज करते हैं वहीं सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम में इन चारों की जगह कंप्रेसर का यूज किया जाता है आइए समझते हैं इस सिस्टम के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने की शुरुआत करेंगे हम इवेपरेटर से ये इवेपरेटर एब्जॉर्बर से कनेक्टेड होता है और इस एवेपरेटर से लो प्रेशर अमोनिया वेपर एब्जॉर्बर में जाती है एब्जॉर्बर के दो फंक्शन हैं पहला यह कि एब्जॉर्बर में वीक एक्वा अमोनिया का सॉल्यूशन रहता है जिससे लो प्रेशर अमोनिया वेपर मिक्स होती है और स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया का सॉल्यूशन फॉर्म होता है इन दोनों की रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है दूसरा एब्जॉर्बर का फंक्शन ये है कि इसमें सर्कुलर कॉल रहता है जिसमें कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर बहता रहता है यही कोल्ड वाटर उस हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है जो एक्वा अमोनिया और अमोनिया वेपर के मिक्स होने की वजह से निकलती है अब पंप स्ट्रांग एक्वा अमोनिया के सॉल्यूशन को एब्ज़ॉर्बर से एक्सट्रैक्ट करता है और उसका प्रेशर 10 बार तक इंक्रीज करके उसे जनरेटर में भेज देता है जनरेटर में हीटिंग कॉयल लगी होती है जिसमें से हॉट गैस या फिर स्टीम फ्लो करती रहती है यही हीटिंग स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है बढ़ने के कारण इस हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया का ज्यादातर भाग वेपराइज होकर कंडेंसर में चला जाता है और जनरेटर से स्ट्रोंग एक्वा अमोनिया का बचा हुआ भाग जो अब अमोनिया बेपर के निकल जाने से वीक हो चुका है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से होकर एब्जॉर्बर में चला जाता है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का काम इस वीक एक्वा अमोनिया के प्रेशर को कम करके एब्जॉर्बर में भेजना है कंडेंसर से हाई प्रेशर अमोनिया वेपर कंडेंस्ड होकर एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू एवेबरेटर में जाती है एक्सपेंशन वाल्व इस लिक्विड अमोनिया के प्रेशर को रिड्यूस करके और इसका एक्सपेंशन करके एवेपरेटर में भेजती है एवेपरेटर लो प्रेशर अमोनिया वेपर की हीट एब्ज़ॉर्ब करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इतने प्रोसेस के बाद ये साइकिल दोबारा कंटिन्यू होती है आई होप कि आपको सिंपल वेपर एब्जॉर्बन सिस्टम की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हम अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत